I hope we can do this cycle math. It's a very interesting story. I forget what story it is. Sherlock Holmes ki hai. Aur usme hota kya hai? Ek lash padi hui hai. Aur zameen par do cycle ke tracks bane hue hain. Aise, sinusoidal. Ek aise aur dusra. So essentially, basically, agar cycle chal rahi hai, to do pahiyon ke nishan hain. Ab Sherlock Holmes ko ye pata karna hai ki cycle yahan se yahan gayi ya yahan se yahan gayi. और साइकिल के सिर्फ पहियों के निशान हैं एंड यू नो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू सो इस साइकिल पे मैंने अभी कुछ कलर कर दिया एक पे रेड कलर है और दूसरे पे ऑरेंज कलर है आप ये ध्यान अभी तो आप ध्यान दे रहे हैं कि किससे किधर गई एक बार आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग ताकि आपको नहीं पता चले कहां से कहां गई ठीक ईमानदारी से चलिए एक सेकेंड ये भी याद मत रखिए कि कौन सा लाल है कौन सा ऑरेंज है आपको नहीं पता आपको पता लगाना है सो इसेंशली द गेम इज दैट यू ओनली नो कि आपको बस टायर दो दिख रहे हैं आपको नहीं पता कौन सा है आपको अपनी गणित और विज्ञान लगाकर बताना है कौन सा टायर कौन सा है और साइकिल की दिशा कौन सी है चलिए all right, very good अब इसको लेकर खड़े हो जाओ अब आप चार चार लोगों के ग्रुप में बढ़ सकते हैं या जो भी आप लोगों को बताना है बिना देखे बिना ये मत ध्यान रखिए कि आपने अभी कौन सा चित्र देखा पंकज जो आया और गया आपको नहीं पता आपको पता लगाना है कौन सी दिशा में साइकिल गई ऐसे गई या ऐसे गई और क्यों और कौन सा टायर कौन सा है और आप सिर्फ इसको ही देख सकते हैं प्लीज कम बैक मेक योर ग्रुप्स एंड गिव अस एन आंसर प्लीज लुक एट दिस फॉर मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स वट एवर एंड देन वी डू दिस एज एन एक्सरसाइज कैन यू ऑल सी दिस टू वेव्स डोंट वरी अबाउट दिस डील हियर यहां पर ये पास पास हैं इसको भूल जाइए जस्ट फोकस ऑन दीज लार्जर वेव्स दैट आर गोइंग हियर सो यू मे बी सीइंग दैट दिस इज लाइक अ साइन वेव ऐसे 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 और ये थोड़ी पतली है ये ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जा रही है हाँ जी जाएंगे ना तो इधर से नहीं जाएगा क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कौन सा वाला आगे का टायर है कौन सा वाला पीछे का डू यू सी व्हाट इज हैपनिंग इज इन अ साइकिल ओनली वन व्हील मूव्स द अदर वन इज फिक्स्ड ये क्लियर है सिर्फ ये हिलता है दूसरा वाला फॉलो करता है Can you tell at this point in so then that's why if front wheel is going like this, the other wheel just follow. So it will not make that many waves at all. It is just following. The other thing is at this point in time, if the front wheel is going like this, so the curve will be sort of aisa kuch hoga. Can you tell the direction of the front wheel by looking at this? Sideways. Sideways. At any point in time, let's say this is my, I know for now that this is my front wheel. So this is my, let's say, front wheel or whatever. ये मान लिया ना हमने अब तो इस point पर कहीं पर भी हमें front wheel की दिशा बतानी हो तो कैसे बताएंगे? Go left क्या था? Please remember your class 7 or 8. Tangent. किसी इस किसी भी कर्व पर अगर इस पर टेंजेंट बना दें टेंजेंट एक ही हर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकती है ना टेंजेंट समझते हैं वो इसी पॉइंट पर टच करे है ना तो इस पॉइंट पर अगर कर्व को जो टेंजेंट है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द व्हील प्लीज कन्विंस योरसेल्फ दैट दैट इज सो एट एवरी पॉइंट इन टाइम दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई फ्रंट व्हील सिमिलरली सेम वे द डायरेक्शन ऑफ बैक व्हील विल ऑल्सो बी अ टेंजेंट At any point in time, if I draw a tangent on the curve, that is the direction of front and back wheel. And what is so, so now I know that at this point, and let's say at this point, this is the direction of the, this is the back wheel, this is the front wheel. And similarly, at this point, this is the direction of the back wheel. What is also special is that the distance between front and back wheel is constant. तो आप कहीं कहीं पर भी कुछ भी कर लीजिए और जहां पर और बहुत आसान तरीका है एक साधारण सा एक डंडी ले लीजिए जिसका डिस्टेंस
इतना दूरी हो. सो इधर इट इज गोइंग लाइक दिस और साइकिल इज गोइंग लाइक दिस. इफ आई डू इट लाइक दिस देन आई कैन से दिस इज ऑलमोस्ट माई डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट राइट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट टेंजेंट. सो आई कैन सॉर्ट ऑफ से ये कॉन्स्टेंट रहेगी और दूसरी दिशा में वो ट्रू नहीं होगा. अभी तो हमें मालूम है ये साइकिल है इसका और इसके बीच का डिस्टेंस इतना है. हाँ. अगर ये नहीं हो तो हम कैसे डिसाइड. एग्जैक्टली गुड क्वेश्चन. सो हाउ डू वी नो. यू पिक अप एनी पॉइंट एंड देन स्टार्ट ड्रॉइंग टेंजेंट्स. यू विल फाइंड दैट ओनली वन पर्टिकुलर पॉइंट लेंथ दैट थिंग विल बी वैलिड. फॉर अदर लेंथ इट विल नॉट बी वैलिड. सो यू कैन एक्चुअली बाय लुकिंग एट द ग्राफ फाइंड आउट टू थिंग्स और थ्री थिंग्स. वन, किस दिशा में गई, कौन सा टायर ऊपर नीचे और साइकिल की लंबाई कितनी है. लंबाई मतलब दोनों पहियों के बीच की दूरी. दैट्स यू कैन फाइंड ऑल थ्री थिंग्स. इनफैक्ट यू कैन डू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स विच इज ये जो बीच बीच में ये जो एरिया है ना इसको अगर कवर कर दें. कवर मतलब पेंट कर दें. दैट एरिया विल मैजिकली बी सम ऑफ दैट एरिया. बड़ी मजेदार चीज है ये. जो भी बीच की चीजें हैं ना इसको रंग दें अगर और कितना भी करें और घूम के वापस आना पड़ेगा. मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर यू टेक एंड कम बैक टू द सेम प्लेस. द एरिया बिटवीन द टू व्हील्स इज ऑलवेज पाई. पाई पाई टाइम्स ऑफ कोर्स रेडियस का कुछ मल्टीपल दिस दैट व्हाटएवर.